ये देखिए एक और भैंसा पहुंच गए हैं, अभी प्रतियोगिता होने वाली है। ये भी बहुत तगड़ा है, ये देखिए इसको तो बस में करना ही मुश्किल हो रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये तो और ज़्यादा खतरनाक है। ये देखिए कितनी मुश्किलें हो रही है इसको रोकने के लिए। मुझे भी डर लग रहा है इस भैंसे का। देखिए ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, लोगों को दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। दो लोग हैं लेकिन रोक नहीं पा रहे हैं इसको। बैल तो मेले में नहीं रह गए लेकिन भैंसे हैं जो काफ़ी तगड़े हैं, खतरनाक हैं। देखिए इसको बांधा जा रहा है ठीक से। एक और भैंसा है लेकिन मैं इसके करीब जाने का जोखिम नहीं उठाऊंगा, ये बहुत खतरनाक है। इसके मालिक हैं आप देख रहे हैं, दो दो तीन तीन लोग हैं जो इसको रोकने का प्रयास करें फिर भी ये नहीं रुक रहा है। मैं आपको आगे बुलाना चाहूँगा, आप मुझे नहीं लगता आप छोड़ कर आएंगे। चलिए मैं आपके पास आता हूँ, थोड़ा जोखिम। आगे ही आप, क्या नाम आपका? अर्जीराम। अर्जीराम जी कौन से गांव से है? अशोटापुरा। तो ये भैंसा है, ये क्या कीमत का है? 18 लाख रुपया कीमत। हेलो हेलो जी जी बोलो बोलो। 18 महीने का भैंसा है, रुक नहीं पा रहा है, हम लेके आए हैं। 18 महीने पड़े हैं, हम रोक नहीं पा रहे, नाथ नहीं गली है, तो ऐसे हम ले जा घर पे ले जा सकते हैं। इसके नाक नहीं डाली गई, यानी इसके नाक में ये रस्सा नहीं डाला गया, इसलिए इसको रोकना काफ़ी मुश्किल। आप देख रहे हैं बहुत मुश्किल से इसको पकड़ा गया है। और ये देखिए ये एक खतरनाक भी है, और मैं सही कह रहा हूँ कि मैं इसके पास खड़ा रह के अपने आप को, मुझे डर लग रहा है। देखिए ये घुटने के बल बैठ गया है, आप देख रहे हैं किस तरह से इसको रोका जा रहा है। मैं भी एक जोखिम उठा रहा हूँ इसके पास खड़ा होकर, लेकिन ये भैंसा निश्चित रूप से खतरनाक है। 1 लाख रुपये इन्होंने इसकी कीमत लगाई है, और अभी ये 18 महीने का ही है। जैसा ये बता रहे हैं कि इसके भी नाक नहीं डाली गई, नाक में रस्सा नहीं डाला गया, इसलिए इसको रोकना मुश्किल हो रहा है, और ये लोग खुद स्वीकार कर रहे हैं। घुटने के बल इसको बैठाए गए हैं, खतरनाक भैंसा ये, और ये लोग वास्तविक कीमत बता रहे हैं इनकी, झूठी बातें नहीं है। जैसे पुष्कर में देखने को मिलती है कि 50 लाख का है, 20 लाख है, ये साफ करें कि 1 लाख रुपये का ही है। लेकिन भैंसा बहुत तगड़ा है, आप देख रहे हैं, लोग इसको भी देख रहे हैं। अब प्रतियोगिता शुरू होगी ऊँटों की, भैंसों की, घोड़ों की। अनेक पशु मेले में आते हैं, ये देखिए बहुत ही तगड़ा ये भैंसा आप देख रहे हैं मेले में आया हुआ है। मेले में आकर्षण का केंद्र है ये भैंसा। ये देखिए कई लोग इसको बस में करने के लिए साथ में आते हैं। वैसे मैं जानवरों के पास जाता हूँ मुझे डर नहीं लग रहा है, लेकिन आज बता दूँ इस भैंसे के पास खड़ा होकर मुझे भी डर लग रहा है, क्योंकि ये यमराज की सवारी है और ये बड़ा ख़तरनाक, आप देख रहे हैं बड़ा भारी है, और अगर ये एक बार किसी को हमला कर दे तो मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर भी उसको बचा पाएँ। मैं इनके साथ जो लोग हैं उनसे बातचीत करूँगा। क्या नाम आपका? गजानंद स्वामी। आप कहाँ से हैं? सुजानगढ़ से। तो ये भैंसा आप लाए हैं, कितने में बेच रहे हैं? 1,30,000। 1,30,000 तो मैं मानता हूँ कि बहुत कम है, क्योंकि मैंने पुष्कर मेले में एक भैंसे की कीमत पूछी तो उन्होंने कहा 50 लाख रुपए का भैंसा है, और ये उस भैंसा जो है उस भैंसे से कम नहीं है। आँख के ऊपर इसके चोट कैसे लगी? सर ये खेजड़ी से रगड़ करके लग गई। अच्छा, तो बताइए कि कितने दिन से आप मेले में? अभी आज ही आया हूँ। अभी तो कीमत कितनी लग चुकी है इसकी? भी अभी कुछ नहीं लगी। लगी नहीं है अभी तक। आपको लग रहा है कि मेला अच्छा है या फीका है? बिल्कुल नहीं, जोरदार है सर। जोरदार है, तो उम्मीद है आपको 1,30,000 बिक जाएगा आराम से। चलिए ये बताइए कितने वर्ष का है? ये 6 वर्ष का। 6 वर्ष का है, तो ये इतना तगड़ा है, तो इसको क्या खिलाते हैं आप? सर बाँट, दाना और दूध पिलाते हैं। अब ये चूँकि आजकल ये गाड़ियाँ वगैरह सब खत्म हो गई, तो ये अब ये क्या काम आता है? ये सर वो नस्ल सुधार के काम आता है। बिल्कुल बिल्कुल, भैंसों के लिए नस्ल सुधारने के लिए काम आता है, और अच्छी नस्ल का है ये। इसके नस्ल के बारे में बताएंगे, कौन सी नस्ल है जानते हैं आप? ये मुर्रा नस्ल का है। तो ये सबसे अच्छी नस्ल होती है भैंसों में? हाँ, वर्ल्ड में 1 नंबर नस्ल होती है। सुने, वर्ल्ड में 1 नंबर नस्ल का ये भैंसा है, और 1,30,000 रुपये इसकी कीमत लगाई गई है। फिलहाल आप देख रहे हैं भैंसा बहुत खूबसूरत है, और वास्तव में लोग इसको देख रहे हैं। पावलाव पशु मेले में ये भैंसा आकर्षण का केंद्र है, आप देख सकते हैं इसको देखने के लिए काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। पावलाव मेले में ये भैंसा आप देख रहे हैं, 1,30,000 रुपये इसकी कीमत लगाई गई है।
घोषणा की जा रही है, प्रतियोगिताएं शुरू हो रही है। भैंसों की प्रतियोगिता में दो भैंसे हैं, ये तीसरा भैंसा भी आ गया है। अब देखना है कि पहला दूसरा तीसरा किसको मिलता है। ये तीसरा भैंसा है, तीन भैंसे आए हैं भैंसा प्रतियोगिता में। गजानंद जी स्वामी का भैंसा प्रथम आया है सुजानगढ़ का। अर्जीराम जी का भैंसा दूसरे स्थान पे आए हैं, दोनों से मैंने इंटरव्यू भी किया था। ये चौथा भैंसा भी पहुंच गया है। लेनिनग्राम का ये भैंसा तीसरे स्थान पे रहा है, डॉक्टर चौधरी फिता बांध रहे हैं। ये बहुत तगड़ी नस्ल का एक भैंसा पहुंच रहा है, हालांकि प्रतियोगिता हो चुकी है लेकिन ये अब लेकर आए हैं। चकोरड़ी गांव से ये भैंसा अभी पहुंचा है यहाँ पर। ये देखिए भैंसे को उतारा जा रहा है, बहुत तगड़ा भैंसा आप देख रहे हैं, लेकिन देरी से पहुंचा है, प्रतियोगिता में शामिल नहीं हो पाएगा। जोरदार नस्ल का भैंसा आप देख रहे हैं, बहुत तगड़ी नस्ल का भैंसा अभी भी पहुंचा, देखिए सूंस आ रहा है। और मैं इसके पास खड़े होकर निश्चित रूप से मुझे डर लग रहा है। क्या नाम है सर आपका? रामचंद्र जूरिया। कहाँ से आए? लेनिनग्राम चकगोरेड़ से। अच्छा, लाडनो। तो आप लेट हो गए सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये भी बोल रहा है कि मैं लेट हो गया, इसको भी दुख हो रहा है। बताइए कि कितने वर्ष का है ये? 2.5 साल का है। 2.5 साल का है जी। तो इसकी कीमत क्या है लगभग? इसकी कीमत कम लमसम 80,000 रुपये। 80,000 रुपये है जी। तो रुपया तो हम देख के लेके आए हम परचेज। आप कितने में बेचना चाहते हैं इसको? अब देखो अभी बेचने का तो कोई सलाह किया नहीं। इसको बात नहीं आती, ये हमारा हिसार से यूनिवर्सिटी से ले हुआ है। 80,000 रुपये में खरीदा था वो ये। अच्छा, लेकिन अभी इसकी कीमत है 1,25,000 रुपये। अच्छा, 1,25,000 रुपये कीमत है। इसको आप खिलाते हैं क्या, इसको ध्यान रखने के लिए? इसको ये बिनोला है, खाल है, जैसे वो बाजरी का आटा है, ये खिलाते हैं। एक बात बताइए कि जब ये गाड़ियाँ भैंसा गाड़ियाँ खत्म हो गई तो अब इनका यूज क्या होता है? केवल खाली नस्ल के लिए, बिल्कुल नस्ल के लिए, और कोई ये गाड़ी गुड़ी जोतने वाला नहीं है, बग्गी जोतने वाला नहीं। नस्ल के लिए है क्योंकि अच्छी नस्ल की भैंसें मिले, अच्छा दूध उत्पादन हो, इसके लिए इस तरह की भैंसें लाए जाते हैं। और ये देखिए अभी भी बोल रहा है लगातार, ये लेट हो गया है, लेकिन यहाँ दो दांत कटा है। दांत का क्या मतलब होता है इसमें? दांत जो दूध का दांत होता है ना वो। हाँ। ये पशु का, हर पशु का आप तो जानकारी है या नहीं है मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन पशु के हर पशु के नीचे वाला दांत होता है। ये घोड़े के ऊपर का नीचे का दांत होता है, और गाय भैंस भैंसा और उसके सबके नीचे वाला दांत होता है। तो जो दूध का दांत होता है ना वो 2.5 साल से तोड़ता है, जो दूध का दांत होना है ना हम उसको बोलते हैं दूधिया दांत। तो वो 2.5 साल से दो दांत तोड़ देते हैं, वो फिर 3.5 साल से चौथोड़ा तोड़ देते हैं, और 4 साल 4.5 साल से वो और छठा तोड़ते हैं, और 5 साल को होता है ना वो 8 दांत तोड़ के और नया निकाल देता है। इसमें ये स्वास्थ्य होता है पशु, उसी से उसकी नस्ल क्या पता चलता है? नस्ल को तो ऐसे ही, इसकी जो यूनिवर्सिटी में हम खरीदा था उसकी माँ को देखा कितना दूध है, वो यूनिवर्सिटी के मान लगी हुई थी, लिवास में लगी हुई थी, उसका दूध भी वो जो हरियाणा सरकार है ना वो अच्छी नस्ल की भैंस होती है ना इसका दूध नापते हैं, तो कम से कम यानी 16 लीटर दूध हर भैंस के हो वो प्रदर्शन में लगती है वो। आप सुने इन्होंने पूरी जानकारी दे दी है, और ये आप देख रहे हैं भैंसा लेट हो गया, प्रतियोगिता में शामिल नहीं हो पाया। ये देखिए बोल रहा है बार बार, ये शायद ये यही कह रहा है कि मुझे दुख है कि मैं प्रतियोगिता भाग नहीं ले पाया, वरना ये भैंसा कह रहा है कि अगर मैं प्रतियोगिता में होता तो प्रथम स्थान मुझे ही मिलता, लेकिन शानदार भैंसा है, अच्छी नस्ल का है। अभी भी आपने देखा पशुओं की प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित की गई, जिसमें निर्णायक मंडल में डॉक्टर धर्मेंद्र चौधरी भी थे जो इन जानवरों की नस्ल देख रहे थे। डॉक्टर साहब मैं जानना चाहूँगा कि आपने सभी जानवरों की नस्ल देखी तो नतीजा कैसे किया जाता है, किस आधार पर? नतीजा ये मेला मेन फेमस है अपने ऊँट पर्पज के लिए, ऊँट और ऊँटनी ज़्यादा यहाँ पर ऊँट ऊँटनी ज़्यादा आते हैं, तो हम ऊँट और ऊँटनियों में नस्ल जो नस्ल हमारे यहाँ आती है जैसलमेरी है, मारवाड़ी है, नाचना उस साइड की ब्रीड है, उन ब्रीड के हम पिक्युलर फीचर्स जो होते हैं कि उनके मजल है, उनके ऊँटने की वो है, उनके टेस्टिकल्स है, उनका बॉडी कोट्स है, ये हम पूरे उनका काउंट करते हैं कि उन सब में देखते हैं कि सब में से ज़्यादा किसके फीचर्स मिलते हैं, उनको हम फिर हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड उसके अंदर पार्टिसिपेट। कि कुछ ऊँट मालिक जो नाराज नजर आ रहे थे, क्या कारण था, संतुष्ट नहीं थे? अब जिसको नहीं मिल पाता उसको अपना ऊँट सबको अपना अच्छा लगता है कि भाई ये हमारा
आना चाहिए, लेकिन जो हमें तो जो निर्णय कमेटी चार पांच हम मेंबर जो मिले हैं, हमें जो नस्ल के अकॉर्डिंग जो ज़्यादा फीचर्स जिस ऊँट के अंदर मिले उनको हम फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंदर बांटा है। डॉक्टर साहब, जानवरों को स्वस्थ रखने के लिए क्या रखना है, खास तौर से ऊँट और बैलों के लिए क्या ध्यान रखना चाहिए? ऊँट और बैलों का ये है कि टाइम टू टाइम ये जो मौसमी में जो बेल है, बेलों की तो दुर्दशा थोड़ी अच्छी नहीं है, और ऊँटों के लिए ये है कि मेन कि टाइम टू टाइम इनकी डिवर्मिंग की जाए, टाइम टू टाइम इनके पेट के कीड़े हैं, और जो वैक्सीनेशन जो मोस्ट बीमारी अकॉर्डिंग जो इनका टीकाकरण होता है वो टाइम टाइम करेंगे ताकि स्वस्थ रहे। नागौर क्षेत्र बैलों के लिए, नागौरी बैलों के लिए जाना जाता है नागौर बुल्स, और दुर्भाग्य देखिए तीन बैल आए थे, कितना ये बुरा लगता है आपको? नहीं, बुरा तो लगता है सर, जो जिस एरिया इस बैल के लिए फेमस है, पूरे इंडिया के अंदर नागौरी बैल फेमस है, लेकिन उसकी दुर्दशा ये हो रखी है, तो हम भी इसके पीछे क्या कारण समझते हैं आप? कारण तो ये है कि माननीय एलए का आदेश है, और आदेशों की पालना की हमें उम्मीद करते हैं कि जल्दी जल्दी आदेश वो होंगे, सही होंगे। जो बाढ़ ले जाने पर प्रतिबंध लगा वो कारण है? ये प्रतिबंध यही इसी कारण है, बाढ़ ले जाने पर प्रतिबंध लगा, ये रीज़न है कि भाई ज़्यादा बेल नहीं आ पाते, ज़्यादा उनके व्यापारी इंटरेस्ट नहीं दिखाते उसके अंदर। बिल्कुल सही कहा है, व्यापारी बेल लेकर आते ही नहीं है, क्योंकि कोर्ट का आदेश है अगर उसको हटाया जाएगा तब ये मेला जिंदा रहेगा, अब तो ये ऊँटों का मेला बनकर रह गया है।